हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिटी ऑफ नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट एंड डिस्टिंक्ट सेल ऑर्गेनली विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो हमारे सेल का सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली है, जो कंट्रोल करता है सेल की सारी एक्टिविटीज को। इट इज ऑल्सो द कैरियर ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। ये ही जो होता है, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है, ये कैरियर होता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन का, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाती है। हेंस इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, जिसकी वजह से इसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि सेल के दिमाग के रूप में जानते हैं। स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई कहलाता है कैरियोलॉजी। ठीक, डिस्कवरी किसने की थी, तो जो सेल की डिस्कवरी की थी, ये रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है हर यूकैरियोटिक सेल में। जनरली देयर इज वन न्यूक्लियस इन ईच सेल, कॉमनली हम क्या देखते हैं कि एक न्यूक्लियस हर सेल में प्रेजेंट होता है, मगर कभी कभी इसके नंबर वेरी कर जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेल्स आर कॉल्ड, आप देखते हैं कि डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक सेल में प्रेजेंट हैं, उसके बेस पे हमने उनको क्या क्या नाम दिए हैं, जैसे कि यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि सेल विद अ सिंगल न्यूक्लियस, जिस सेल में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कहलाता है यूनिन्यूक्लिएट, जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है बाइन्यूक्लिएट, जब किसी सेल में एक से अधिक यानी कि दो तीन चार पांच छह ऐसे प्रेजेंट होते हैं या फिर सो ऑन, तो वो कहलाते हैं हमारे मल्टीन्यूक्लिएट। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो फोर पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको कि न्यूक्लियर एनवेलप या फिर कैरियोथेका भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा न्यूक्लियोलस, तीसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर सैप और कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं। चौथा है हमारा क्रोमेटिन थ्रेड। चलिए एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो इनर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, छोटा सा सर्कुलर, ये डेंसली फिल्ड जो मास है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ये हमारे सारे हैं क्रोमेटिन मटेरियल्स, ये आप देख रहे हैं, इससे अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारे न्यूक्लियर की चौथी, देखिए बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें जो पोर्स प्रेजेंट हैं वो हैं हमारे न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, इसके अंदर जो डेंसली फिल्ड मटेरियल होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर एनवेलप होती है किसकी, न्यूक्लियस की। इट अकर्स इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू यूनिट लेयर्स। चलिए अब जानते हैं ये दो यूनिट लेयर कौन सी है। द मेम्ब्रेन हैज न्यूमरस स्मॉल सिलेंड्रिकल चैनल्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। ये देखिए, ये हमारे क्या है, न्यूक्लियर पोर्स। देयर नंबर में वेरी फ्रॉम 1000 to 10,000 इन ईच न्यूक्लियस, हर एक प्रत्येक न्यूक्लियस में इनके नंबर्स वेरी करते हैं 1000 से लगभग 10,000 तक। फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियर पोर्स का, तो ये अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या करते हैं, उन मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म होने देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमें पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर जो प्लाज्म प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो कहलाता है न्यूक्लियो प्लाज्म। अब आ जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट ग्रेन्युलर मेटल कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप। यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांसपेरेंट ग्रेन्युलर मेटल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर सैप। न्यूक्लियोप्लाज्म हैज टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोलस एंड सेकेंड वन इज क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस क्या होता है, यूजुअली अपियर्स एज अ स्फेरिकल बॉडी, हमने देखा था एक छोटी सी जो बॉडी थी वो क्या थी हमारी, न्यूक्लियोलस, एंड इज नॉट बाउंड बाय अ मेम्ब्रेनस एनवेलप, और इसमें कोई भी मेम्ब्रेनस एनवेलप नहीं प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूक्लियोलस इज रिच इन आर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें ये किस चीज से मिला होता है, आर प्रोटीन का और आरएनए मॉलिक्यूल का। इस जगह पे यानी कि न्यूक्लियोलस में क्या होता है, राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या मदद करते हैं, राइबोसोम्स हमारी मदद करते हैं सिंथेसिस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। चौथा हमारा क्या था, क्रोमैटिन। इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरविंड मास ऑफ कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन थ्रेड।
हमने देखा है कि न्यूक्लियस में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एक कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। केमिकली जो हमारा क्रोमैटिन होता है वो दो चीज से मिलकर बना होता है, पहला डीएनए और दूसरा प्रोटीन। क्रोमैटिन को हम दूसरी तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि लूजली ऑर्गेनाइज्ड डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स कंडेंस्ड इनटू थिक थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये कंडेंस्ड होता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारा क्रोमोसोम्स में। ठीक, चलिए हम जानते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि सारी वाइटल एक्टिविटीज हमारी जो सेल की होती हैं वो कहाँ पे परफॉर्म होती हैं, वो होती हैं साइटोप्लाज्म में। मगर ये कंट्रोल किसके द्वारा कर जाती हैं, ये कंट्रोल कर जाती हैं न्यूक्लियस के द्वारा। अब इसका मेन फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, तो इसका मेन फंक्शन ये है कि ये कैरियर होता है किसी भी पेरेंटल कैरेक्टर का। तो ये क्या करता है कि कोई भी पेरेंटल कैरेक्टर कहाँ पे पहुंचाने का काम करता है, उसके ऑफस्प्रिंग में, जिसकी वजह से हम इसको हेरिडिटरी मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में चलिए आगे बताते हैं, इसके डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, आपको मालूम है कि इसके न्यूक्लियस के चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। न्यूक्लियर एनवेलप की किसने करी थी, तो ओ हर्डविग ने 1893 में। जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको कि हम कैरियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी करी थी स्ट्रासबर्ग ने 1882 में। न्यूक्लियोलस, जिसको कि सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फोंटेना ने 1774 में। जबकि क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी, वो थे वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में। क्रोमोसोम्स के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।